तो हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसे हम ग्राफिकली चेक करते हैं। तो उससे पहले ग्राफिकली के लिए कंसेप्ट, ग्राफिकली एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होता है जब उसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो, और डिफरेंशिएबल तब होता है जब कोई भी शार्प कट ना हो। यानी कि अगर हमें एक भी शार्प कट मिल गया तो मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ में बहुत ब्रेक्स हैं, और ब्रेक कहाँ कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है इंटीजर पॉइंट पे, जैसे 1 पे, यहाँ 2 पे ब्रेक ली ग्राफ ने, फिर यहाँ 3 पे ब्रेक ली, यहाँ 4 पे ब्रेक ली, यहाँ -1 पे ब्रेक ली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कंटिन्यूटी पे इन इंटीजर पॉइंट्स पे। नॉन इंटीजर पॉइंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आ रही नॉन इंटीजर पॉइंट्स में। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जैसे हम 2.5 की बात करें तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 होता है 2। तो हमें 2.5 पे इसकी वैल्यू 2 मिलेगी, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो है। और 2.5 पे कोई भी शार्प कट भी नहीं है ग्राफ में, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। तो करेक्ट आंसर है डी, इसे लिख लेते हैं।